नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए दिनांक 15 मार्च से 21 मार्च तक का समय किस प्रकार से बीतेगा। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं, मैंने आपके लिए विशेषकर जो लोग इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी वीडियो ज़्यादातर देखते रहते हैं या जिनकी जो लैंग्वेज है वो मुख्य रूप से इंग्लिश है, जैसे साउथ इंडियंस या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो अमेरिका में या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में मेरे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम मैंने एस्ट्रोलॉजी साइंस इंग्लिश रखा है। और अभी तक उस पर कोई वीडियो मैंने हालांकि नहीं डाला, जल्दी आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंग्लिश वीडियोज़ का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो आपके 9th हाउस में होगा, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने से नीच के हो जाएंगे, जो आपको लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है। ये यात्राएं आपके व्यर्थ की हो सकती हैं, बहुत कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। पिता के साथ आपका जो संबंध है वो खराब हो सकता है। उच्च शिक्षा संबंधी कोई आपका काम है तो वो अटक सकता है। आप अगर फैमिली के साथ कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी रुकावट जरूर आ सकती है। हालांकि आप फैमिली के साथ तो आप जाते ही होंगे, बहुत बार आप शायद अकेले ना जाते हों, पर ये अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस मामले में थोड़ा सा आपको सोच विचार जरूर करना होगा, क्योंकि चंद्रमा है वो हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नीच के रहने से यहाँ पर आपको कुछ और भी बहुत सारी दिक्कतें 15 मार्च को हालांकि आ सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में यहाँ पर ये धनुराशि में होगा। धनुराशि में ये जो ट्रांजिट है उसकी वजह से हालांकि आपको आपके प्रोफेशनल कैरियर में, आपके जो एक जॉब का जो फील्ड है आपका, उसमें बहुत अच्छा ये लाभ देगा। जिन जातकों को अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है, अगर आप जॉब के लिए निश्चित रूप से ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना हालांकि बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी जो माताजी हैं उनको अभी भी हेल्थ संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में माहौल इस समय बहुत अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्थिति रहेगी आपके 16 और 17 मार्च को, वो आपके खुद के लिए, जॉब के लिए, आपके जॉब के लिए और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद 18, 19 और 20 मार्च को चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो होगा मकर राशि में। मकर राशि में ये चंद्रमा 3 दिन शनि के साथ रहेंगे, तो इस समय में आपको थोड़ी सी हालांकि परेशानी आ सकती है अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने में, नए दोस्त बनाने में। पुराने दोस्तों से आप धोखा ना खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपका इस समय दोस्ती में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अपनी संतान पर आप ध्यान देंगे, अपनी एजुकेशन पर भी ध्यान देंगे। धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी रुकावट जरूर रह सकती है, हालांकि आपके धन संबंधी मामले बनेंगे, काम बनेंगे आपके, लेकिन थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा स्लो काम करेगा डिसीजन लेने में। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए रहेगी यहाँ पर 18, 19 और 20 मार्च को। उसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये 21 मार्च को आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में रहने से जो जातक विदेश के लिए ट्राई करना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं, या जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये स्थिति कोई आपको निश्चित रूप से कोई हेल्थ इश्यू दे सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना पड़ सकता है या परिवार के किसी सदस्य के लिए भी आपको थोड़ा बहुत धन का इधर उधर खर्चा करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको नींद संबंधी समस्या हो सकती है। बाकी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा इस सप्ताह में 19 तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो उसमें मकर राशि में होगा। आपके 16 और 17 तारीख का जो समय है वो सबसे अच्छा समय रहेगा। बाकी इनका जो ये समय है जब शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे
ये रहेंगे आपके 18, 19 और 20 को, तो ये कुल मिलाकर 50-50 रहेगा, यानी 50% अच्छा और 50% बुरा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब।